एक सास ससुर ने अपने विधवा बहू को दोबारा शादी करवाई और वो भी अपने छोटे बेटे से। जिस किसी ने भी सुना हर कोई तारीफ करते नहीं थक रहा। मामला है मध्य प्रदेश के शिवपुरी का, जहां पूरे परिवार की रजामंदी से सास ससुर ने विधवा बहू की शादी अपने छोटे बेटे से करा दी। इस शादी से जहां पति खो चुकी सपना को नया हमसफर मिला, तो वहीं उसकी 5 महीने की बच्ची को पिता का साया भी नसीब हो गया। दरअसल राजस्थान की सपना की शादी शिवपुरी के सूरज से साल 2018 में हुई थी। कोरोना से सूरज की मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद विधवा बहू और बच्ची को देखकर सास ससुर बिलख उठते थे। ऐसे में उनकी बहू का दुख कम करने के लिए उन्होंने उसकी शादी अपने छोटे बेटे से करवाने का प्रण लिया। पूरे विधि विधान के साथ एक सास ससुर ने अपनी बेटी समान बहू की शादी करवाई, जिसके महीनों बाद चौधरी परिवार में खुशियां दोबारा लौट आई हैं। कोरोना ने 5 माह की बेटी आरू के सिर से पिता का साया छीन लिया था, लेकिन 8 महीने बाद पहले जन्मदिन के मौके पर आरू को पिता का साथ मिल गया। दादा दादी की जिद थी कि आरू की माँ सपना ने देवर मनोज से शादी कर ली। इस शादी से सास ससुर खुश है कि बड़े बेटे की मौत के बाद उनकी बहू और पोती को न सिर्फ खुशियां मिल गई, बल्कि वो अब जिंदगी भर उनके घर में ही रहेंगी। ससुर का कहना है कि बहू भी हमारे संस्कारों में एक प्रकार की बेटी ही है। उसकी मात्र 23 साल की उम्र है। ये छोटी उम्र और लंबा जीवन, सो शादी तो करनी ही थी। फिर उनके पिता ने समझाया कि क्यों ना अपनी बहू की शादी छोटे बेटे मनोज से कर दे, दोनों बेटियां घर में ही रहेंगी और आंगन सूना नहीं होगा। मनोज की माने तो घर वालों ने जो भी फैसला लिया है वो सही ही है, वो इस फैसले से बेहद खुश है। तो वो भी बहू नहीं है बल्कि वो मेरी बेटी है। जब मैं उसको एक बार वहाँ ले आया और बहू एक थोड़ा सा वैसा शब्द है, वो मेरी बेटी थी और अभी उसकी एज 23 साल है मात्र। मुझे शादी तो उसकी हर हालत में करनी ही थी। फिर मेरे फादर ने मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने फिर एक दिन मुझे बुला करके बोला, बेटा अगर अपन ऐसा कर लें कि बेटी की शादी करनी है ही, छोटे बेटे की अपनी शादी हुई नहीं है अभी, ये भी है कि ईश्वर का एक ऐसा मेरे ऊपर कृपा दृष्टि सी ही बनी है, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना अपन मोनू, प्यार से उसको मोनू बोलते हैं, वैसे मनोज चौधरी नाम है, तो क्यों ना अपन दोनों की शादी कर लें। तो बेटी, दोनों बेटियां अपने घर में ही रहेंगी, कब उसको अपन कहाँ ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे। और मेरे फादर रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना से हैं, अभी पेंशनर हैं। तो यहाँ से सर मुझे फिर थोड़ा सा वो लगा कि फादर बड़े हैं, उन्होंने जो सोचा होगा वो बहुत आगे सोच समझ के उन्होंने उसको सोचा होगा। फिर मैंने पहले विचार किया कि मैंने कहा वो इनसे बात करना अभी ठीक है, तो फिर मैं बहू के गांव में और उनसे थोड़ा सा मैंने रजाबंदी, क्योंकि बेटी तो उनकी भी है भाई, वो उनकी ही क्या, उनकी ही बेटी है और मेरी भी बेटी है, पहले उनकी बेटी है इसके बाद मेरी बेटी है। तो उन्होंने बड़े सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। फिर मैंने अपने जो मिलने जुलने वाले होते हैं उनसे, बल्कि पहले मैं ये देख लूँ कहीं सामाजिक इसमें कहीं वो तो नहीं आ रहा, हालांकि अगर सामाजिक भी आता तो भी नहीं मानता मैं उसको करता, क्योंकि मुझे अपना घर देखना था और समाज में, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, दूसरों को पढ़ाता हूँ, दूसरों को अगर अपने घर में ही अगर मैं इस तरह से वो करता तो शायद ये गवारा नहीं होता मुझे। तो मेरे फादर की प्रेरणा, फिर मेरी मिसेज, फिर धीरे धीरे मैंने बहू से, बेटे से, और उससे ये भी मैंने पूछा, बेटा मन तो नहीं था, बच्ची है, 6 3 महीने की थी उस टाइम पर, घर वाले जो निर्णय लेंगे वही मान्य होगा, और बाहर भेजना कहीं और वो सही भी नहीं था, तो घर के लिए और बच्चे के लिए सही है निर्णय। सास ससुर के इस पहल की सभी तारीफ कर रहे हैं। अगर ऐसे ही सास ससुर हर बहू के लिए माँ बाप बन जाएं, तो कोई भी बहू अपने आप को पराई नहीं समझेगी और समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। शिवपुरी से भूपेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।